नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा और आज न्यूज चक्र पर निगाह होगी दो अहम विषयों पर। पहला विषय, क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं सुनती, और दूसरा विषय होगा प्रियंका वर्सेस योगी आदित्यनाथ। मुकाबला दिलचस्प है, गहन चर्चा उस पर, मगर आइए पहले हम रुख करते हैं हमारे पहले अहम विषय पर। तस्वीर याद है आपको, आकाश विजयवर्गीय एक निहत्ते बेसहारा सरकारी नौकर पर बैट से हमला करते हुए, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल को संबोधित करते हुए इसे गलत बताया था। बकौल प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई किसी का भी बेटा हो उसे इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। एक वो दिन है और आज का दिन, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई तो दूर की बात है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अनुशासनात्मक समिति है उसके समक्ष ये मामला आया तक नहीं है। बाबू सिंह रघुवंशी, जो कि इस अनुशासनात्मक समिति में मौजूद हैं, उनका कहना है, उन्होंने संडे एक्सप्रेस यानी कि इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की है कि यह मामला अब तक 3 सदस्यीय अनुशासनात्मक समिति को रेफर तक नहीं किया गया है, उनके पास भी नहीं पहुंचा है। वो क्या कहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। बाबू सिंह रघुवंशी कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने आकाश का नाम लिया, ऐसी और भी कई मिसालें हैं अनुशासनहीनता की, शायद वो सभी का जिक्र कर रहे थे। क्या ऐसा कोई साउंड बाइट या वीडियो है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाश विजयवर्गीय का नाम ले रहे हैं? बाबू सिंह रघुवंशी ये भी कहते हैं, अगर प्रधानमंत्री ने इस घटना की आलोचना की है तो ये सजा से कहीं ज्यादा है। सबसे पहले तो बाबू सिंह रघुवंशी जी, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्षमा चाहूंगा इस शब्द के लिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में राजीव प्रताप रूडी ने इस बात की पुष्टि की थी कि प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में इसी मामले का जिक्र किया था। सुनिए। एंड ही वाज आल्सो वेरी अपसेट अबाउट एंड ही सेड नो वन हैज द राइट टू मिसबिहेव टू टेक पार्टी फॉर अ राइड ऑन स्टेटमेंट्स मेड बाय देम और देयर बिहेवियर और देयर एरोगेंस and he said it is unacceptable. This is important. This is in the context of Kailash Vijayvargiya's son Akash being caught in a controversy. Well, he absolutely said it is unacceptable. आज हम आपके सामने जो चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं सुनती, क्या वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती कर रहे हैं? दूसरी मिसाल आपके सामने दोस्तों, ये मिसाल है भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर की। आपको याद होगा किस तरह से इन्होंने महात्मा गांधी की तौहीन की थी, न सिर्फ महात्मा गांधी की तौहीन की थी बल्कि नाथूराम गोडसे को एक हीरो बताया था। याद है उन्होंने क्या कहा था? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेवान में झांक के देखें। उसके बाद प्रधानमंत्री ने न्यूज 24 को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं कर सकता। अमित शाह की अध्यक्षता में इसकी जांच भी हुई थी और 10 दिन के अंदर जवाब मांगा गया था प्रज्ञा सिंह ठाकुर से। 10 दिन कब के बीत चुके हैं, ये मामला अब यहां तक आ गया है, मगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी भूल गई है, मीडिया भूल गई है, अब इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, और अब तो प्रज्ञा ठाकुर खुलेआम प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की तौहीन भी कर रही है, उसकी बेइज्जती भी कर रही है। सुना आपने उनका ये ताजा बयान? ध्यान रखो, हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने, ठीक है ना, हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए। इनको नहीं चुना गया है कि वो आपका शौचालय साफ कर सकें या गंदगी साफ कर सकें, मान लिया इस बात को, मगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पता होना चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं। ऐसे में जब वो ऐसा बयान दे रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तौहीन कर रही हैं। क्या उन्हें इस बात का आभास है? क्या बीजेपी को इस बात का आभास है? और ऐसे में हम क्यों ना कहें कि बीजेपी
प्रधानमंत्री की अनसुनी कर रही है, बीजेपी प्रधानमंत्री की तौहीन कर रही है, या क्या कहा जाए, ये सब नूरा कुश्ती तो नहीं, ये सब दिखावे की बात तो नहीं। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर यह है कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश में 50 सीटों पर सिमटी कांग्रेस के लिए यह घटना या यह तस्वीर साबित होगी संजीवनी? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस के नेतृत्व के संकट का जवाब है? क्या प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शख्सियत का जवाब साबित हो सकती हैं? हम आपको बताना चाहेंगे कि इस घटना को लेकर ट्विटर में बाकायदा ट्रेंड चल रहा है, योगी वेक्स अप। इस मुद्दे को लेकर यानी कि सोनभद्र में जो हिंसा हुई है और प्रियंका गांधी जिस तरह से एक्टिव हुई हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत छींछालेदर हुई है, उन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा है। एक ऐसे मौके पर जब राहुल गांधी अमेरिका में छुट्टियां बिता रही हैं, प्रियंका गांधी मैदान में उतरती हैं। किस मैदान में? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, जहां पर जमीन माफिया ने, कुछ दबंगों ने 10 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया था। प्रियंका मैदान में है और योगी प्रशासन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। देखिए, बात मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में उतरने में इस वक्त प्रियंका गांधी को बहुत वक्त लगेगा। उसकी कई वजहें। पहले प्रियंका को यह साबित करना पड़ेगा कि वो 24/7 राजनेता है, वो एक मौसमी राजनेता नहीं है, वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं है, और तभी वो प्रधानमंत्री के मुकाबले में उतर पाएंगे। इसीलिए हम अपने इस शो के इस हिस्से को नाम दे रहे हैं प्रियंका वर्सेस योगी। अभी से लोग प्रियंका गांधी की तुलना इंदिरा गांधी से करने लगे हैं, क्योंकि 1977 में एक बहुत ही भयावह घटना हुई थी। बिहार के बेलछी में दबंग लोगों ने दलित जाति के 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उस वक्त इंदिरा गांधी ने राजनीतिक दस्तक दी थी बिहार के बेलछी में, और वहीं से उनका उदय एक बार फिर शुरू हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेलछी में उस वक्त करीब 10 से 11 दलितों को कुर्मी समाज के लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। इंदिरा उसी घटना से बेहद आहत और वो बेलछी जाना चाहती थी। शुरुआत में उन्हें रोका गया था। इस घटना का विवरण मौजूद है एक किताब जिसका नाम है द रेड सारी। ये रेड सारी लिखा है जेवियर मोरो ने, और जेवियर मोरो सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए कहते हैं, सोनिया ने इंदिरा गांधी को कहा बिहार मत जाइए, वो बहुत खतरनाक जगह है। यही नहीं, पार्टी के नेताओं ने भी उन्हें लाख समझाया, फिर भी वो जिद पर अड़ी रही गांव में जाने के लिए। तब नदी पार करके जाना था, पर उस दौरान ना तो नाव थी और ना ही कोई साधन। ऊपर से शाम भी ढल रही थी, सामने पानी से भरा कच्चा रास्ता था, जिस पर हिम्मत जुटाते हुए इंदिरा गांधी पैदल ही चल पड़ी। आनन फानन में जीप मंगाई गई, वो भी कीचड़ और पानी में फंस गई। आगे ट्रैक्टर का सहारा लिया गया, वो भी साथ ना दे पाया। ऐसे में हाथी जिसका नाम मोती था उसे बुलाया गया, जिस पर बैठकर 3.5 घंटे का सफर तय करने के बाद इंदिरा गांधी बेलछी पहुंची थी। घटना के अगले दिन हाथी पर बैठी इंदिरा गांधी की फोटो ने देश विदेश में मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ इस पूरी घटना को लेकर बौखला गए। उनकी बौखलाहट का आलम यह है कि उन्होंने इस घटना के लिए 1955 की कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार माना है, और उन्होंने एक लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस घटना की नींव 1955 में ही पड़ गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। योगी के मुताबिक सोनभद्र के विवाद के लिए 1955 और 1989 की कांग्रेस सरकार दोषी है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत की जमीन को 1955 में आदर्श सोसाइटी के नाम पर दर्ज किया गया था। इस जमीन पर वनवासी समुदाय के लोग खेतीबाड़ी करते थे। बाद में इस जमीन को किसी व्यक्ति के नाम 1989 में कर दिया गया था। 1955 में
कांग्रेस की सरकार थी। शुक्र योगी जी, चूंकि आप जिक्र कर रहे थे 1955 का, आपने नेहरू पर इसका दोष नहीं मढ़ा जो कि आपकी पार्टी का फेवरेट पास्ट टाइम है। इस अजीबोगरीब बयान से योगी सरकार की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर वैसे ही योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। उनकी चारों तरफ से आलोचना हो रही है। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वढ़ेरा राजनीति के लिए सोनभद्र का जिक्र कर रही हैं और वहां जा रही हैं। वहां पर धारा 144 लागू है। अगर आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वहां जाना चाहते हैं तो ये सही नहीं है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारी सरकार शांति बहाल करने के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है। हम आपको ये बता दें कि अब कांग्रेस पीड़ितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी देगी। प्रियंका कहती है कि मेरा मकसद पूरा हो गया है, मैंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर ली है, मुझे अब भी नजर बंद रखा गया है, नहीं जानती क्यों। प्रियंका गांधी की इसी आक्रामकता का परिणाम है कि योगी सरकार ने भी मृतकों के लिए 18.5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मगर एक तरफ जब मीडिया का एक धड़ा कह रहा है और कहीं ना कहीं वो प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी को देख रहा है, मेरा मानना है कि अभी ये जल्दबाजी होगी। इस वक्त प्रियंका गांधी के सामने और कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने इन चुनौतियों का जिक्र करने जा रहा हूं। मुद्दा नंबर एक, दोस्तों, अगर यही घटना मध्य प्रदेश में हुई होती जहां पर आदिवासियों की बहुत बड़ी तादाद है तो मीडिया ने अब तक मुख्यमंत्री कमलनाथ को कटघरे में रख दिया होता। यही नहीं, उनके इस्तीफे की मांग भी की जाने लगती। मगर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस मुद्दे पर मीडिया अमूमन खामोश है। खामोश है और योगी आदित्यनाथ से जवाबदेही की बात नहीं कर रहा है। कर भी रहा है तो उनके अपने कारण है। तो पहला मुद्दा, मीडिया कांग्रेस के साथ नहीं है और ये उनकी बहुत बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं मुद्दे नंबर दो की। मुद्दा नंबर दो ये है कि योगी सरकार में कई मंत्री ये मान रहे हैं कि हमने कहीं ना कहीं इस मुद्दे में प्रियंका गांधी को नजरबंद करके उन्हें एक शहीद का दर्जा दे दिया है, उन्हें सुर्खियां बटोरने का मौका दे दिया है। मगर ये काफी नहीं है। प्रियंका को यह साबित करना होगा कि वो उत्तर प्रदेश के सुख दुख में मौजूद रहेंगी। उन्हें साबित करना होगा, उन्हें लखनऊ में अपना निवास स्थान बनाना होगा अगर वाकई कांग्रेस 2022 के लिए संजीदा है। मुद्दा नंबर तीन, 1977 में जब बेलछी में इंदिरा गांधी ने जोरदार राजनीतिक दस्तक दी थी उस वक्त पूरे देश में कांग्रेस की मौजूदगी थी। उसे हार का बेशक सामना करना पड़ा था मगर पूरे देश में वो मौजूद थी कांग्रेस, और न सिर्फ मौजूद थी बल्कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर मौजूद थी। इस वक्त क्या है? नंबर एक, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बुरा हाल है और उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्षी हैं अखिलेश यादव और मायावती। अब बात करते हैं हम अगले मुद्दे की। अगला मुद्दा है कांग्रेस में नेतृत्व का संकट। जी हां, राहुल गांधी अमेरिका में, अध्यक्ष कौन कोई नहीं जानता। संगठन विहीन, नेतृत्व विहीन, इससे प्रियंका के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मौजूदगी दर्ज करना बहुत मुश्किल साबित होगा। हम आपको यह भी बता दें कि CWC को, यानी कि कांग्रेस की CWC को, वर्किंग कमेटी को यह फैसला करना था कि अगला अध्यक्ष कौन होगा और राहुल गांधी के इस्तीफे पर उन्हें चर्चा करना था, मगर वो बैठक स्थगित कर दी गई है अनिश्चितकालीन वक्त के लिए। तो ये तो हालत है कांग्रेस की। और आखिरी मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा, सुन के कांग्रेसियों को अटपटा लगेगा मगर प्रियंका गांधी को इस शख्स से सीखना होगा, अमित शाह की, संगठन को कैसे जमीन पर खड़ा किया जाए। दोस्तों, आज जो आपने न्यूज चक्र देखा इसका दोहरा मकसद था। पहला मकसद ये कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई कुछ मुद्दों के बारे में, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे विधायकों MPs की दबंगई हो, उसको लेकर वो कोई बात कहते हैं तो उसका असर हम जमीन पर क्यों नहीं देखते हैं? उसका असर हम जमीन पर इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि उनकी अपनी पार्टी यानी कि BJP इसे लेकर गंभीर नहीं है। नतीजा आपके सामने। दूसरा मुद्दा उठाया हमने, प्रियंका गांधी बनाम योगी आदित्यनाथ।
देखिए प्रियंका वर्सेस योगी कहना बहुत आसान है, कहने के लिए दो या तीन दिन ये सुर्खियों में चल जाएगा, मगर मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस को अपने आलस से, अपने लेजी अप्रोच से, अपने लेड बैक एटीट्यूड से बाहर निकलना होगा, क्योंकि प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि मुख्य विपक्षी दल मजबूत हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मीडिया की क्या हालत है, मीडिया पूरी तरह से नतमस्तक है। ऐसे में अगर विपक्षी दल भी पूरी तरह से लिटायमान होंगे, एक तरह से इनएक्टिव होंगे, तो लोकतंत्र के साथ इससे बड़ी नाइंसाफी नहीं हो सकती। इसी तरह से न्यूज चक्र में आपके सामने लाता रहूंगा हर हफ्ते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। मेरी आप सबसे अपील कि न्यूज चक्र के इस एपिसोड को लाइक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और न्यूज क्लिक के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।